आज क्योंकि अत्यधिक सर्दी है, इसलिए सबसे पहले हमने जो जिला प्रशासन की तरफ से रैन बस सेवा की जो सुविधा तुरंत शौचालय और बस अड्डा में जो संचालित कर रखी है उसका निरीक्षण करके और उस व्यवस्थाओं को देखा, उसका आकलन किया और उसी तरीके से बस स्टैंड पे हमने यात्रियों से मुलाकात करके उनकी क्या जायज है, बात है, क्या सुविधाएं उन्हें सही मिल रही है नहीं मिल रही, स्टाफ से भी बात करी, उसमें पता लगा कि बसों की कमी है, सिर्फ दो ही बस पड़ी हैं, तो कई रूटों पे अभी भी ज़्यादा बसें आने की मांग भी यात्रियों ने करी। इसी तरीके से हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित जो उनकी अपनी कैंटीन के नाम से जो उनकी योजना थी उसका भी निरीक्षण किया, जो उन्होंने बताया कि वो सीजनल है, जब किसान आते हैं तो फिलहाल तौर पर वो बंद है और यहाँ लेबर बोर्ड द्वारा जो है एक श्रम विभाग द्वारा यहाँ 10 रुपये में गरीब को असहायक और जो है मजदूर को भोजन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का भी हमने आज निरीक्षण किया, क्योंकि पीछे एक बैठक हुई थी तो हमने उसमें अपनी जानकारी ली थी, उसमें बताया गया था यहाँ चल रही है, तो हमने यहाँ पाया कि 200 के करीब गरीब मजदूर और जो लोग हैं वो यहाँ भोजन की व्यवस्था करते हैं, यहाँ महिला स्टाफ है जो यहाँ व्यवस्था करता है। मैं यही कहूँगा कि हमारी जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी और सरकारी विभागों की जिम्मेवारी है कि ऐसे सर्दी के समय में जो जो सुविधाएं उनके जुम्मे हैं उनकी बेहतर देखरेख करें, उन सुविधाओं को उनको पूर्ण तरीके से करें और जो अगर कोई लापरवाही हो रही है, कहीं उसमें कोई कमी हो रही है, तो उसके लिए हम सरकार से भी और अधिकारियों से भी बात करेंगे और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी तरह की लोगों को असुविधा हो, लोगों को जो सुविधा दी जानी चाहिए उनमें कोई कमी हो, उनमें किसी तरह की खत्म हो। इस बात के लिए आज ये नुहू शहर में हमने जगह जगह सरकारी जो सेवाएँ चल रही हैं उनका निरीक्षण करके उनका दौरा करके और जहाँ जहाँ हमें अच्छा लगा हमने वहाँ प्रोत्साहन उन कर्मचारियों का भी दिया, जिससे कि जो छोटी मोटी कमी थी हम अपने तौर पर अपने साथियों से मिलकर हम उनको अपने तौर पर कराएंगे। सारी चीज़ें हम भी नहीं चाहते कि जो है उसकी जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए फिर सरकारी या कोई जो है परमिशन की जरूरत है, जिससे कि लोगों को बेहतर जिंदगी यापन करने का और ऐसी जगह जो सुविधाएं हैं वहाँ उन सुविधाओं को पूर्ण तरीके से हासिल हो बिना किसी तकलीफ के और बेहतर से बेहतर हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और इसी उद्देश्य से आज के ये जो है निरीक्षण किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। डियर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब समीम रहन्ना यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकॉन। थैंक यू।